मेरे से पहले कितने बॉयफ्रेंड या पति रह चुके हैं? एक भी नहीं। हैं? तो ये नज़ारा है सुबह सुबह का, और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि बड़ा धुआं धुआं सा है यहाँ तो। लेकिन बाद में मेरे हस्बैंड ने बताया कि उन्होंने धूप बत्ती जलाई थी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो मैं बहुत धूप बत्तियाँ जलाया करती हूँ अपने घर में। तो ये जब मैंने देखा तो बड़ा, पहले तो मैं डर गई, लेकिन बाद में फिर अच्छा लगा। तो खाना खाने के बाद हम लोग सो गए, और फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड किचन में हैं और कुछ बना रहे हैं। मेरे हस्बैंड की आदत है कि वो लाइट ऑफ कर देते हैं पूरे घर की। तो शाम का टाइम था और पूरे घर की लाइट बंद थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर से थोड़ी रोशनी आ रही थी, बट फिर मैंने सोचा कि लाइट ऑन कर देनी चाहिए। तो लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था थोड़ा, ये जो लाइट वाइट जलती रहती है, स्टार लाइट और लैम्प और ये सब, तो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि अगर मैं सो जाऊँ तो मेरे हस्बैंड फिर किचन ही में मिलते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो अच्छा लगता है, उनको कुकिंग पसंद है मेरी तरह। लेकिन कभी कभी वो ब्लंडर भी कर देते हैं, बट आज उन्होंने ब्लंडर नहीं किया। आज वो मटन की कलेजी फ्राई कर रहे थे, और काफ़ी अच्छी करी थी बाय द वे, मैंने उनको बताया नहीं। बहुत टेस्टी थी। पहले तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसी लगेगी, बट अच्छी लग रही थी। एक्चुअली इसे मैंने फ्रीज़र में रखा था और हस्बैंड ने इसे डायरेक्ट निकाल के पैन में डाल दिया, तो ये अलग नहीं हो रही थी। और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे इसके साथ कि बस अलग हो जाए, बट हो नहीं पा रही थी। लेकिन थोड़ी देर में फिर वो हो गई, और इसके साथ इन्होंने टमाटर, मिर्च और अदरक, पता नहीं क्या क्या डाला था, बट बहुत बढ़िया लग रहा था। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं चीख चीख के भी रिकॉर्ड करूँ तो भी मेरी आवाज़ स्लो आती है, पता नहीं क्यों। वीडियो में ट्राई करती रहती हूँ कि तेज़ से तेज़ आए। अब पड़ोसियों को तो सुनाना नहीं है। तो अगर मेरी आवाज़ आपको समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं आती है तो मैं कुछ करूँगी आवाज़ का। दोस्तों, तो मैं थोड़ी देर में चाय बनाऊँगी, और आज तो लगता है कि चाय काफ़ी दिन बाद बन रही है, क्योंकि क्या था ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो चाय पीने का मन नहीं करता है। हाँ, मन करता तो है मॉर्निंग में, लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड करने लगी हूँ, क्योंकि शुगर जो है वो अवॉइड करना चाहिए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ। और क्या होता है ना, दूध की चाय थोड़ा सा एसिडिटी करती है। जब गर्मी होती है तो मन करता है कि कुछ ठंडा पिया जाए, तो या तो आइस टी, या तो कोल्ड कॉफ़ी, या तो लस्सी, या तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो अभी तो मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, तो मैं पीऊँगी चाय अदरक वाली। चिकन आज का बढ़िया बना था, पतले रसे का चिकन था। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning will be
as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah. Boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. बताया नहीं? क्या? मेरे से पहले कितने गुल खिलाए? हमको बुखार है देखो। मेरे से पहले कितने बॉयफ्रेंड या पति रह चुके हैं? एक भी नहीं। हैं? सच बताओ। एक भी नहीं। दो थे बताया तो। ये आपके पापा भी देखेंगे? नहीं देखेंगे। मैं दिखाऊंगा। नहीं। दो बॉयफ्रेंड हैं? सही बताओ। दोस्त है दोस्त। सच बताओ एकदम। जस्ट फ्रेंड्स। वो तो मुझे पता ही है। और कितनों को लव यू बोला है? नहीं। कितनों को लव यू बोला है? ये डेडिकेट कर रहा हूँ आपको। दो के अलावा और भी थे ना? अब बताओ, सच सच बताओ। दो ही थे बताया तो। मैं मम्मी पापा जी बताने जा रहा हूँ। तो बॉयफ्रेंड ना तो शरीफ नहीं थे? बॉयफ्रेंड था तो अच्छी चीज है। बॉयफ्रेंड थे तो पूरी फौज तैयार थी बॉयफ्रेंड्स की। ऐसा नहीं है, दो ही थे। शर्म आनी चाहिए। ओ, ओ, आपकी भी तो एक्स थी? थी, थी नहीं। हमें क्या पता? चलो बताओ जो दूसरा तीसरा और जो बता रहे थे अंदर। बताओ क्या बाकी के बॉयफ्रेंड्स के बारे में? कौन था? और नहीं थे, बस दो थे। तो अभी मैं लिख रही हूँ अपना 365 डेज 5 AM चैलेंज की जो मैं बोला करती हूँ बढ़िया बढ़िया, उसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछ लिया कि मेरे कितने बॉयफ्रेंड थे और मैं डर गई। तो मुझे परेशान कर रहे, बार बार पूछ रहे हैं कि मेरे कितने थे, मेरे कितने थे, तो मैं क्यों बताऊं? तो अभी क्या है कि हो गया है मेरा ये, आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग में, तो आज तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं आपसे कल मिलूंगी और कल मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या लिखा था। एक साल पुरानी कहानी लिखी थी, कहानी भी नहीं है मेरे बारे में है, लेकिन आज मैंने पढ़ा और मुझे इतना बढ़िया लगा कि इतना अच्छा लिखा था, अब जाके समझ। मतलब आज मैं अगर इसको पढ़ूं तो ये लग रहा है कि बहुत ही किसी समझदार और बढ़िया राइटर ने लिखा है, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने लिखा है। तो अब मैं जा रही हूँ स्क्रिप्ट लिखने, उसके बाद मैं आपसे कल मिलूंगी, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए लव यू।